प्रदेश से आ रही है, जिससे कि राजनीतिक हलचल तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वहां की पुलिस ने यह तय किया कि मुहर्रम के दौरान प्रोसेशंस, रिलीजियस प्रोसेशंस, यानी कि लोग वहां पर ताजिया निकाल नहीं पाएंगे। ये बैन जब से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लगाया है कोविड के चलते, शिया मुसलमानों ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी। उनका दरअसल कहना है कि सर्कुलर में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस बात से उन्हें आपत्ति है। शाम को एक बैठक होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उस बैठक का बॉयकॉट करने का फैसला किया गया है। जो भाषा, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, वो इंतहाई अफसोसनाक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। उसमें उन बातों को याद किया गया है जो 40 साल पुरानी बातें हैं, कि साहब जानवरों के ऊपर लिख दिया जाता है और पतंगों के ऊपर, इस तरीके की जो भाषाएं हैं वो चीज़ें, मैं समझता हूं कि वो उस बयान को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि उससे शिया समुदाय के लोगों की, मोमिनीन की जो आस्था है, जो जज्बात हैं, वो आहत हुए, उनको ठेस पहुँची है। इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है, और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है, और इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा, और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो ख़राब होगी, और इससे शिया सुन्नी, पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। इसकी वजह से डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है, और अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती है मुहर्रम के जमाने में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की होगी। इसकी मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के जरिए से ज़बरदस्त तरीके से मदम्मत करता हूँ, और खाली मदम्मत ही नहीं करता हूँ, बल्कि ये जो पूरी गाइडलाइन जो डीजीपी साहब की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर, जैसे लगता है कि उनके किसी वहाबी मित्र ने बैठ के इस पूरे सर्कुलर को तैयार किया है। कोविड 19 के प्रोटोकॉल के तहत सभी पर लागू किया जा रहा है। पिछले दिनों आप ये देखिए कि कावड़ पे कैसे, किस प्रकार से पूरी तरह रोक लगाई गई, जो वो एक हजारों सालों की एक हमारी प्राचीन परंपरा है। हमने तो नहीं कहा, सरकार को एक बगदादी फरमान है। अब आप अमरनाथ यात्रा पर रोक गई, पूरे देश में रामलीला का मंचन होता है उस पर रोक लग गया है। आप नवरात्रि में जो जागरण होता है उस पर पूरी तरह रोक गया हो गया है। दशहरा के दिन आप देखिए कि रावण का कैसे जलाया जाता, तो पूरी तरह उस मेले का पूरी तरह रोक दिया गया है। कुंभ को यहाँ तक कि बीच में ही रोक दिया गया, और तमाम कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई। तमाम जितने भी हिंदू सनातन धर्म के त्यौहार कोविड 19 के पालन करते हुए सरकार ने रोक दिया। हमने तो सरकार को नहीं कहा बगदादी, तो ये इस तरह के बयान देना बहुत गलत बात है।